नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावन पक्ष के बारे में। जी हां, आज से रात्रि 9 बजे से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है और यह पितृपक्ष 17 सितंबर तक रहेगा। शास्त्रों में इस पक्ष का बहुत ही महत्व बताया गया है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें करने से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिनका देहांत हो चुका है वे सभी इन दिनों में अपने अपने सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिवारजनों का तर्पण स्वीकार करते हैं। श्राद्ध के बारे में हरिवंश पुराण में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। पक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का निधन हो गया तब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची और उन्हें वहां रोजाना खाने की बजाय सोने के गहने दिए जाने लगे। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि आपने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ सोने के आभूषण ही दान किए हैं और अपने पूर्वजों को कुछ नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वे अपने पूर्वजों के बारे में जानते ही नहीं। और यह सुनने के बाद भगवान इंद्र ने कर्ण की आत्मा को वापस 15 दिनों के लिए धरती पर जाने की अनुमति दी और इन 15 दिनों में उन्होंने अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण किया और तभी से इन 15 दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बातें, वे 5 बातें जिन्हें पूरा करने से आपको जीवन की तमाम खुशियां मिलेंगी। नंबर 1, श्राद्ध में तुलसी, तिल व जौ को पानी में मिलाकर तर्पण करने से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन चांदी के बर्तन में ही कराना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध, दही का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 4, श्राद्ध में अगर कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। नंबर 5, श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में से गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी के लिए भोजन निकालना कभी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी की तमाम जानकारियों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.indiatv.in पर। नमस्कार।